ओम शांति। वाणी चल रही थी 3968 का प्रातः क्लास, पहले की पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी कि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं। छोटेपन में राधे कृष्ण, वो कोई भाई बहन नहीं है, अर्थात एक माँ बाप के बच्चे नहीं है, अलग अलग माता पिता के बच्चे हैं। विष्णु की बात हो रही है, विष्णु संगम युग में होता है, सतयुग में विष्णु का पार्ट नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों ही पार्टधारी संगम युग के हैं। बाकी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जो बाजू में विष्णु की मूर्ति दिखाई जाती है वो संगम युग की यादगार है। बचपन में वो कोई एक माँ बाप से पैदा हुए बच्चे नहीं है, सूर्यवंशी कृष्ण और चंद्रवंशी राधा, तो कहेंगे कि अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। वो कृष्ण महाराज कुमार और वो राधे महाराज कुमारी थी, जिनको फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। आज भी भारत में ये परंपरा चल रही है कि शादी के बाद नाम बदल दिया जाता है। ये सभी बातें मनुष्य नहीं जानते हैं कि ये परंपराएं कब से चली आ रही है। 3968 की वाणी का दूसरा पेज, जिनको कल पहले ये सब बातें बुद्धि में बैठी होंगी उनको ही अभी भी बैठेंगी। उन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि सभी के मंदिर हैं। शंकर का भी मंदिर है, मंदिर संगमयुगी पाठधारियों की यादगार बने हुए हैं। विष्णु का भी मंदिर है जिसको नर नारायण का मंदिर कहते हैं, अर्थात नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाले, नारी से डायरेक्ट इसी जन्म में पढ़ाई पढ़ के लक्ष्मी बनने वाले। तो देखो लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर भी होता है और नर नारायण का अलग मंदिर भी होता है। इससे साबित होता है कि पार्टधारी आत्माएं चारों ही अलग अलग हैं। जो नर से नारायण बनने वाले हैं, नारी से लक्ष्मी बनने वाले हैं, वो पार्टधारी पेयर अलग, वो जोड़ी ही अलग। और जो आत्माएं नर से पहले प्रिंस बनती है फिर नारायण बनती है,
नारी से प्रिंसेस बनती है, फिर लक्ष्मी बनती है, वो पार्टधारी आत्माएं अलग। यादगार तो है ना, कोई भी बिरला मंदिर में जाकर के देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दोनों ही मूर्तियां अलग अलग देखने में आवेंगी। लक्ष्मी नारायण की भव्य मूर्तियां भी हैं और बाजू में विष्णु का मंदिर भी है, जिसे नर नारायण का मंदिर कहा जाता है। ब्रह्मा का भी मंदिर है, यादगार तो है ना। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है, यादगार बनी हुई है कि वहां के जो पंडे पुजारी हैं वो ही ब्रह्मा की पूजा करते हैं। बाहर से आने वाले लोग ब्रह्मा की वहां पूजा नहीं करते, तो ये यादगार कहां की हुई? जरूर संगम युग में ब्रह्मा ने ऐसा पार्ट बजाया है जो ब्रह्मा कुमार कुमारी वो ही उनको मान्यता देते हैं, बाकी दुनिया के लोग उनको मान्यता नहीं देते हैं क्योंकि संपन्न रूप को प्राप्त नहीं हुआ। हाँ कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, कब नमन करते हैं? जब ब्रह्मा सो विष्णु देवता बनता है तो विष्णु देवताय नमः भी कहते हैं, शंकर देवताय नमः भी कह देते हैं, फिर कहते हैं शिव परमात्मा नमः। तो देखो शिव हुआ परम पिता परमात्मा, बाकी सभी हैं देवताएं। तो शिव अलग हो गया, शंकर देवता अलग हो गया, दोनों आत्माएं अलग अलग पार्ट बजाने वाली हैं। ऐसे नहीं कि शिव शंकर दोनों आत्माएं एक हैं, नहीं, एक आत्मा जन्मण के चक्र में आने वाली है और एक आत्मा सदैव ही जन्मण के चक्र से न्यारी है। तो देवताओं को कब भगवान थोड़े ही कहा जा सकता है। यहां इस दुनिया में तो तमो प्रधान मनुष्यों को भी भगवान कह देते हैं, तो बाकी फिर फर्क क्या रह गया? किसको कहा जाता है अंधेर नगरी अनबूज राजा, टकासिर बाजी टकासिर खाजा, कुत्ते बिल्ले ठिक्कर भित्तर सबको भगवान कह देते हैं। अभी भगवान कहाँ और ठिक्कर भित्तर कहाँ? ठिक्कर भित्तर का पार्ट क्या है और भगवान का पार्ट क्या है? कुछ तो समझना चाहिए बुद्धि से। तो बाप समझाते हैं कि पहले पहले जिससे ओपनिंग करानी होती है उनको अच्छी तरह से समझाना है कि विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन तो लगा दिया है, विश्व में शांति
इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। ये लक्ष्मी नारायण ही सतयुग के मालिक थे। तो मनुष्य को नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए भगवान ने ये गॉडली यूनिवर्सिटी खोली हुई है। इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं। बाकी विश्वविद्यालय तो बहुतों ने नाम रख दिए हैं। वास्तव में वो कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्स तो वास्तव में सारे विश्व को कहा जाता है। सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं और दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो सारे विश्व में व्यापक हो जावे। विश्व की सभी आत्माएं उससे लाभ लेवे। तुम बच्चे जानते हो विश्व में सभी पावन बनने के लिए इसी विश्वविद्यालय से कनेक्ट हैं। तो विश्वविद्यालय एक ही है जो बाप स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। इसलिए ये विश्वविद्यालय है। इनको कहेंगे ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। तो देखो कहां बाप की बात और कहां ये सभी दुनिया वाले कहते रहते हैं यूनिवर्सिटी। उन यूनिवर्सिटीज में सारी यूनिवर्स का तो कल्याण होता ही नहीं। सारे विश्व को चेंज करना ये तो एक ही बाप का काम है। इसलिए वो आकर के ये एक ही यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो गॉडली यूनिवर्सिटी कही जाती है। तो देखो गवर्नमेंट हमको ये यूनिवर्सिटी नाम नहीं रखने देती। और गवर्नमेंट के लोग खुद रखते हैं। जिनका नाम यूनिवर्सिटी रखते हैं वो सारे यूनिवर्सिटी का तो यूनिवर्स का तो कल्याण करते ही नहीं। तो ये बात तुम बच्चों को बैठ करके समझाना है कि सारी यूनिवर्स का बाप एक है। सारे विश्व को पढ़ाने वाला एक बाप है। और ये बात भी पहले पहले तो किसी को नहीं समझाएंगे। बोलो हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। और इनका नाम ही ब्रह्मा तब पड़ा है जब बाप ने आकर के इनमें प्रवेश किया। ब्रह्मा कोई एक का नाम नहीं है। जिस तन में भी बाप आकर के प्रवेश करके पाठ बजाते हैं उनका नाम ब्रह्मा पड़ता है। बाकी एक है मुकर्रर रथ जिसको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा नाम तो अनेकों के होते हैं।
ब्रह्मा को पंचानन चतुरानन कहा जाता है, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है और वो एक ही है। सारी मनुष्य सृष्टि को प्रजा कहा जाता है। ये 500-700 करोड़ की प्रजा है इस दुनिया में, उन सबका एक ही बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि का एक ही बाप प्रजापिता है, तो वो शास्त्रों में भी उसका नाम मशहूर है, परंतु शास्त्रों में उसकी संपन्न स्टेज का नाम दिया हुआ है प्रजापति। प्रजापिता है जन्मदाता, जन्म देने वाले को प्रजापिता कहा जाता है। अंत में जब वो सारे विश्व का मालिक कहा जाता है, बन जाता है, तो सारी प्रजा का पति कहा जाता है, विश्वपति कहा जाता है। तो उनसे पूछो कि शास्त्रों में जिस प्रजापिता या प्रजापति का नाम मशहूर है वो कहां से आया। उनके बाप का नाम क्या है, उस प्रजापिता का भी कोई बाप है तो कोई बता देंगे नहीं। ब्रह्मा को तो देवता कहा जाता है और देवताओं का बाप तो जरूर परमपिता परमात्मा ही होगा जो रचयिता कहा जाता है। वो कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश करता हूं और इनकी पहचान तुमको देता हूं। तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए कि ये है ईश्वरीय म्यूजियम। बाप कहते हैं मुझे बुलाया ही है कि आकर के पति से पावन बनाओ। सारी दुनिया पति से बन पड़ी है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पतित संकल्प, पतित दृष्टि, पतित वृत्ति, पतित वाइब्रेशन, पतित वाचा और कर्म इंद्रियों से कर्म भी पतित बन चुके हैं। तो बाप आकर के ऐसे पतित मनुष्यों को पावन बनाते हैं, पावन देवताओं को कहा जाता है। मनुष्य को देवता बनाना ये एक ही बाप का काम है। रचयिता एक है, बाकी सब रचना है। तो सोचना चाहिए, सोच करके बताना चाहिए कि उस रचयिता बाप की पहली पहली रचना कौन है, है? दुनिया में भी परिवार होते हैं, परिवार का एक रचयिता बाप होता है, फिर उसकी पहली पहली रचना कौन होता है, माँ होती है। तो यहां भी समझाना पड़े कि परमपिता परमात्मा रचयिता बाप प्रजापिता के द्वारा पहले पहले ब्रह्मा को रचते हैं।
ब्रह्मा कहो बड़ी माँ कहो बात एक ही है। कोई से पूछो ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो ब्रह्मा का बाप कौन है, तो जरूर कहेंगे उनका बाप है शिव बाबा। वो ही कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश करके इनकी पहचान तुमको देता हूं। किनकी पहचान देता हूं? जिनमें मुकर्रर रूप से अथवा खास करके टेम्पररी रूप से प्रवेश करते हैं उनकी पहचान मैं तुमको देता हूं। पहले पहले वो हैं सारी सृष्टि के माता पिता। राम कृष्ण की आत्माएं। तो बच्चों को समझाना चाहिए कि ये ईश्वरीय म्यूजियम है, अब बाप कहते हैं हे बच्चों हे आत्माओं तुम अपने बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन बन जावेंगे। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जावेंगे। आत्माओं का बाप सदैव पावन है, एवर प्योर है, उसको सदा शिव कहा जाता है। उसकी याद से सात पतितों को पावन बनाया जा सकता है। वो कहते हैं मनमना भव। जरूर कोई तन में आकर कहते होंगे ये अक्षर तो गीता के ही है, मनमना भव मेरे में मन को लगा। तो भगवान एक ही है, पतित पावन ज्ञान का सागर है। परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। अब कृष्ण की पूजा तो बच्चे के रूप में होती है, कृष्ण के बड़े रूप की इतनी पूजा नहीं होती जितने छोटे रूप की पूजा होती है। बच्चे को तो बच्चा बुद्धि कहा जाएगा। अब बच्चा बड़ा या बाप बड़ा? तो कृष्ण बच्चा तो पतित पावन नहीं बन सकता। वो पतित दुनिया में आ भी नहीं सकता। कौन? कृष्ण। तो पतित दुनिया में कृष्ण की आत्मा पतित ब्रह्मा के रूप में हो सकती है, परंतु कृष्ण के रूप में 16 कला संपूर्ण कृष्ण के रूप में नहीं हो सकती। पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आवेंगे। उन्हीं में ये ताकत है कि पतित दुनिया में और पतित तन में प्रवेश करें और उनको संग के रंग का लेश मात्र भी न लगे। बाकी 16 कला संपूर्ण कृष्ण की तो बेसात ही क्या। कोई भी दुनिया के बड़े से बड़े ग्रेट फादर्स इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि जिनको दुनिया की बड़े से बड़ी जनरेशन फॉलो करती है
उनको भी पतित पावन नहीं कहा जा सकता। वो भी इस पतित दुनिया में आकर पतितों के संग में रह करके पतित बन जाते हैं, कोई भी वापस नहीं जा सकते। बाप ही आकर के वापस जाने का रास्ता बताते हैं। अगर कोई ने रास्ता बताया होता, खुद पतित से पावन बने होते तो उनके फॉलोअर्स भी बनते। लेकिन देखने में आता है कि हर धर्म के फॉलोअर्स और हर धर्म के बासिंदा, हर धर्मखंड के बासिंदा पतित स्टेज में जा रहे हैं, मेंटलिटी साथ की गिरती जा रही है। तो बाप कहते हैं मैं सारी दुनिया को आकर के पावन बनाता हूं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि तो क्या 16 कला संपूर्ण बनने वाली कृष्ण की आत्मा भी सारी दुनिया को पावन नहीं बना सकती, अपन को भी पावन नहीं बना सकते। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। कितनी सहज बात बताता हूं, क्या बात बताता हूं, क्या करना है जिससे पाप भस्म हो जावे अनेक जन्मों के हैं? एक बाप को याद करो, भगवान वाच, ये अक्षर जरूर लिखना पड़े। कहने वाला परमपिता परमात्मा है कि मुझे याद करो, और कोई मनुष्य मात्र या कोई राक्षसी आत्मा या कोई देवात्मा ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे याद करो, मैं तुमको पति से पावन बनाऊंगा। वो एक ही बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस काम को जीतो। काम जीते जगत जीत कहा जाता है, इसलिए रास्ता बताते हैं कि अभी तो ये दुनिया ही भस्म होने वाली है। इस भस्म होने वाली दुनिया में जो कुछ भी इन आंखों से देखते हो वो सब भस्म हो जाएगा। तो कोई भी चीज की इच्छा नहीं करनी है, कोई भी चीज की कामना नहीं करनी है। इस देह के सुखों की भी कामना नहीं करनी है, क्योंकि हम जानते हैं इस देह के सुख दुख तो पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का प्रतिफल है जो मिलता ही रहता है, और तब तक मिलता रहेगा जब तक 63 जन्मों के हिसाब किताब पूरे नहीं हो जाते। अभी ये विकारी दुनिया है, इस विकारी दुनिया में विपरीत कार्य विपरीत कर्म ही होते रहते हैं, जिन विपरीत कर्मों के कारण मनुष्य दुखी होते रहते, सारी दुनिया में दुखी दुख, और निर्विकारी दुनिया में तो फिर सुखी सुख होगा। वो निर्विकारी दुनिया एक निराकार बाप ही आकर के बनाते हैं, ऐसे भी नहीं कि परमधाम में बिंदु रूप में रह करके बनाते हैं, नहीं,
इस साकार सृष्टि में आकर के पतित से पतित मनुष्य तन में प्रवेश करके उसे पुरुषार्थ करा के आप समान बनाते हैं। जो संसार में गायन होता है शिव शंकर भोलेनाथ, शिव का नाम एक शंकर देवता के साथ जोड़ा जाता है, तो एक मनुष्य आत्मा बाप समान बनती है और उस साकार स्वरूप के निराकारी स्टेज को याद करके सारी मनुष्य शक्ति पतित से पावन बन जाती है। अभी तो ये पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, तो ये सारी समझानी उद्घाटन करने वाले को पहले देनी चाहिए। भगवान वाच है, काम महाशत्रु है। इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जा देंगे। इसलिए इस दुनिया की कोई भी कामना नहीं करनी है। इस देह के पदार्थों की, देह के संबंधियों की कोई भी प्रकार की कामना की तो अवस्था नीचे गिरती रहेगी। इसलिए कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, अविद्या अर्थात अज्ञान। एक बाप को याद करो, वो एक बाप ही सदा अविनाशी है। इसलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया का विनाश होने वाला है। इस सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है। तो सदा कायम रहने वाले को याद करना चाहिए या विनाशी को याद करना चाहिए? हम भी उनको याद करते हैं, हम भी अविनाशी को याद करते हैं। जैसे कोई कालिज खुलता है तो उसका उद्घाटन कराते हैं ना, ये भी ईश्वरीय कालिज है, इसके भी ढेर के ढेर सेंटर्स हैं। सेंटर्स में टीचर्स स्थापन किए जाते हैं। टीचर को भी यह ख्याल जरूर रखना चाहिए कि बाप नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों को रखते हैं। इसलिए ब्राह्मणियों को जल्दी जल्दी आप समान बनाकर फिर और सेंटर्स पर भागना चाहिए, सर्विस को और ज्यादा उठाने के लिए। ऐसे नहीं कि सदैव के लिए एक ही सेंटर पर बैठ जाएं जिंदगी भर के लिए, तो बाप आगे चल करके देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मुरली पढ़ करके सुना सकते हैं और उसका ठीक अर्थ सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। तो उनको कहेंगे अभी तुम यहां बैठ करके क्लास कराओ। ऐसे ट्रायल कराए, उनको बिठाए, खुद आगे की ओर चला जाना चाहिए। और जगह सेंटर संभालने के लिए, परंतु होता क्या है, ब्राह्मणियों को एक ही जगह अल्पकाल के सुख मिल जाते हैं,
तो आराम से बैठी रहती है। तो समझते हैं कि कौन बैठ करके माथा मारता रहे। नहीं तो ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर जमाए दूसरे पर जाना, परंतु ब्राह्मणियां ही आराम पसंद बन जाती हैं। किसको आराम देने के लिए? देह को आराम देने की बात बुद्धि में आती है या आत्मा को आराम मिलता है? देह का आराम बुद्धि में बैठ जाता है, ये अल्पकाल का आराम है। तीनों और सच्ची वाणी का तीसरा पेज। कोई ब्राह्मणी को थोड़ा कुछ नहीं मिलता है तो बस माथा ही खराब हो जाता है। नहीं तो ब्राह्मणियों को 10-20 जगह सेंटर स्थापन करना चाहिए, बहुत बहुत सर्विस करनी चाहिए। दुकान खोलते जाएं, आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाएं। दिल में आना चाहिए कोई को आप सामान बनाए तैयार करूं तो और सेंटर्स खुलें। परंतु ऐसी आज्ञाकारी ब्राह्मणियां कोई बिरले ही दिखाई देती हैं। आज्ञाकारी उनको कहा जाता है जो सेंटर खोला और आप सामान बनाया। आप सामान ब्राह्मणी नहीं बनाते हैं तो गोया भैंस बुद्धि है। अच्छा, किसी को समझाए नहीं सकते हो तो और काम करो। इसमें दिल नहीं हट जाना चाहिए। कोई भी प्रकार का, कोई भी ईश्वरीय सेवा में, चाहे स्थूल सेवा हो चाहे वाचा की सेवा हो, देह अभिमान नहीं आना चाहिए। अरे मैं तो बड़े घर की हूं, मैं ये काम कैसे करूं, हमको तो दर्द हो जाएगा। थोड़ा भी काम करेंगी तो अपनी हड्डियों को देखने लग पड़ेंगे। इसको कहा जाता है देह अभिमान। कुछ भी समझते नहीं है कि ईश्वरीय सेवा में तो हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है, औरों की सर्विस करनी चाहिए। परंतु औरों की सर्विस की बात दूर रह जाती है। देखा जाता है ब्राह्मणियां अपनी ही सेवा कराने लग पड़ती है, औरों की सर्विस करेंगे। फिर वो भी लिखें कि बाबा हमने उनकी स्थूल सेवा भी की और उनको समझाया भी। फिर जिनको समझावे वो खुद बाबा को लिखें, बाबा इस ब्रह्मा कुमारी ने तो हमारी जीवन बनाई दी, सर्विस का सबूत दिखलाना चाहिए। आगे चल करके एक एक ब्रह्मा कुमारी को टीचर बनना है, है? पे ही लिखें, बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाली तैयार हो गए, हमने बहुतों को आप समान बनाया है तो हम क्यों ना सेंटर खोलते जावें।
ऐसे ऐसे बच्चों को बाबा कहेंगे फूल, सर्विस ही नहीं करेंगे, देह भी मान आता रहेगा तो फूल कैसे बनेंगे? फूलों का भी बगीचा होता है ना, तो कोई भी उद्घाटन करने वाले को समझाना चाहिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शूद्र से ब्राह्मण बन करके फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं क्या? हमारी डबल मशीनरी है, पहले पहले सारी दुनिया शूद्रों की है, शूद्रों को ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाया जाता है, फिर जो ब्राह्मण बनते हैं पवित्र बनते हैं, ब्रह्मा के मुख की निकली हुई बात को मानते हैं, जानते हैं और उन बातों के अनुकूल अपना जीवन बनाते हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। उन ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके फिर देवता बनाया जाता है। किसके द्वारा? प्रजापिता तो पतित है, देवता है तो पावन होते हैं, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाए जाते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, बनाने वाला है बाप, बनाता किसके द्वारा है? ब्राह्मण किसके द्वारा बनाता है? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाता है। ये हुई एक मिशनरी। उसके बाद है दूसरी मिशनरी, कौन सी है? विष्णु बनने के बाद पढ़ाई चलती है, पढ़ाई खत्म हो जाती है। विष्णु ये तो लास्ट स्टेज है, बीच में दूसरी मूर्ति कौन सी है? शंकर देवताएं नमः कहा जाता है। शंकर को पतित कहेंगे है? शंकर को पतित नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि शंकर मनुष्य है या फरिश्ता है? वो तो फरिश्ता है, फर्श की दुनिया में रहते हुए भी मन बुद्धि रूपी आत्मा फर्श की दुनिया वालों से उपराम होकर के रहती है, उनमें अटैच नहीं होती। दुनिया में भी डॉक्टर बनाए जाते हैं, इंजीनियर बनाए जाते हैं, मास्टर बनाए जाते हैं, तो बनाने वाले प्रैक्टिकल में कौन होते हैं? डॉक्टर ही डॉक्टर बना देगा, इंजीनियर इंजीनियर बना देगा, ऐसे थोड़े ही कि अपने आप इंजीनियर बन जाते हैं, नहीं। जैसे शूद्रों को ब्राह्मण बनाने के लिए बीच में प्रैक्टिकल पार्ट चाहिए ब्रह्मा का, ऐसे ही ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके पवित्र देवता बनाने का काम किसके द्वारा? शंकर द्वारा अनुभव हुआ है। शंकर देवता नहीं बनाता है, बनाने वाला कौन है? शिव बाबा।
इसलिए शंकर को तीन नेत्र दिखाए जाते हैं, दाया नेत्र, बाया नेत्र। नेत्र तो हैं, लेकिन वाम मार्गी नेत्र भी है। अच्छा अच्छा देखेगा या बुरा बुरा देखेगा, है? वाम मार्गी होगा तो अच्छा देखेगा या बुरा देखेगा? बुरा बुरा देखेगा। धर्मराज क्या देखेगा, है? पापों को देखेगा या पुण्य को देखेगा? धर्मराज का काम है सजा देना, तो सजाएं पुण्य के आधार पर देगा क्या? किस आधार पर सजाएं देगा? पापों के आधार पर सजा देता है। तो बाई आंख है किसकी यादगार? धर्मराज ब्रह्मा सो कृष्ण वाली आत्मा की यादगार है, जिस ब्रह्मा ने ब्राह्मणत्व जीवन में बच्चों का बहुत सहन किया, किसी को सहन कराया नहीं, सहन किया और बच्चों ने उसको सहन कराया, दुख दिया। ब्रह्मा ने किसी को दुख नहीं दिया। तो जो पापों का हिसाब किताब बच्चों का बना है वो चुकतू कब होगा? सत्युग त्रेता में चुकतू होगा क्या? नहीं, कहाँ चुकतू होगा? संगम युग में ही चुकतू होता है। तो निमित्त बना हुआ है वो एक कंबाइंड रूप, जिसे कहा जाता है बाप दादा, उसमें राम बाप या प्रजापिता वाली आत्मा भी मौजूद है, और जो धर्म का राजा है, धारणाओं का राजा है, धारणा की वाणी चलाता है, किसके अंदर है? गुल्लार दादी में धारणाओं की वाणी चलाता है। देवताओं में ज्ञान होता है, है? होता है। देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं, तो ज्ञान की वाणी कहाँ से चलावेंगे? देवताओं में दिव्य गुणों की धारणा होती है, तो कौन सी वाणी चलावेगा? धारणाओं की वाणी चलाता है। तो जो धारणाओं की वाणी चलाने वाला है जरूर धारणा में सर्वोपरि है, इसलिए उसका नाम ही है धर्मराज। धर्म का राजा कहा जाता है। राजा का काम ये भी होता है कि जो दुष्ट हैं, पापी हैं, उनको दंडित करना, सजा देना। तो ये बाई आंख का काम है। शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो इन आंखों का लोन लेकर के आते हैं, देखते हैं कि ये पापी बैठा हुआ है, कितना भी समझाओ पाप करने से चूकेगा नहीं। देखते हैं ये जन्म जन्मांतर का धर्मात्मा बैठा हुआ है, तो दोनों प्रकार की आंखें हैं, दाई आंख भी है और बाई आंख भी है। आंख माने कहते हैं ना, तुम बच्चे तो मेरी आंखों के नूर हो, मेरी आंखों की रोशनी हो। तो शिव बाप को अपनी आंखें तो है नहीं,
तो शिव बाप की आंखों के नूर कौन है? राम और कृष्ण की आत्मा। राम के द्वारा बाप ज्ञान सागर का पाठ बजाते हैं, उसको कहते हैं प्रेम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। फिर कहते हैं बाप कि मेरे साथ धर्मराज भी है, मैं अकेली आंख नहीं हूं। क्या बाप को दोनों प्रकार की आंख है, लेफ्टिस्ट और राइटियस। फिर तीसरी आंख भी दिखाते हैं, उसको कहते हैं सदाशिव, सदैव ही खड़ी रहने वाली आंख। दो आंखें हैं पड़ी हुई और एक आंख है खड़ी हुई, माने वो सदैव खड़े रहने और खड़े रखने का पुरुषार्थ कराती है। सदैव कभी भी नीचे नहीं गिरती, चाहे कितने भी पतित में प्रवेश करना पड़े। पतित से पतितों के संग में आने के बावजूद भी वो कभी पुरुषार्थ में गिरती नहीं, सदैव ही निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज में रहने वाली आंख। तो बाप कहते हैं कि बच्चों को बाप का परिचय देना चाहिए, उद्घाटन करने वाले को। बाप का परिचय ही नहीं देंगे तो उनसे उद्घाटन कराने से कोई फायदा नहीं। बाप इस ब्राह्मण कुल सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। क्या कौन कौन से वंश की? सिर्फ सूर्यवंशी कुल की स्थापना नहीं करते हैं, सूर्यवंशी के साथ साथ चंद्रवंशी कुल की भी स्थापना होती है। सूर्यवंशी कुल से कृष्ण प्रख्यात होता है और चंद्रवंशी कुल से राधा की प्रत्यक्षता होती है। चंद्र कहा जाता है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को, वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ही शंकर के मस्तक में दिखाया जाता है। सूर्य कहा जाता है तीसरे नेत्र को, तीसरा नेत्र है स्वयं बाप शिव, जो आत्माओं का बाप है। आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई होते हैं, तो जो भाई भाई की स्टेज को पकड़ते हैं, अपनी संपन्न स्टेज के पुरुषार्थ में भाई बहन भी नहीं, एक दूसरे को भाई बहन की दृष्टि से भी देखने के आदि नहीं बनते। क्या दृष्टि रहती है? हम आपस में भाई भाई हैं। तो कौन सी माला है? जो भाइयों की माला है। स्वभाव संस्कार से सभी भाई भाई हैं। उस माला का नाम है रुद्रमाला। वो बाप की माला है। फिर है विजय माला, चंद्रवंशियों की माला है।
वो माला बनाने का मुखिया कौन है? सूर्यवंशियों की माला बनाने का मुखिया है सूर्य, जो बोला है मैं जब आता हूँ तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूँ? सूर्य को देता हूँ। तो राम बाप है ज्ञान सूर्य, और कृष्ण की आत्मा है ज्ञान चंद्रमा। उसको जो फॉलो करने वाली विशेष आत्माएं हैं उनका ग्रुप चंद्रवंशी ग्रुप कहा जाता है। ये दो वंश की स्थापना बाप आकर के करते हैं। इस समय तो सारी दुनिया शूद्र वर्ण की है। ये क्यों कह दिया है? जब बाप आया हुआ है सूर्य की भी पहचान दे रहा है, चंद्रमा का पार्ट बजाने वाले की भी पहचान दे रहा है, और सूर्य और चंद्र को फॉलो करके जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनते हैं उनकी भी नंबर बार पहचान दे रहा है, तो फिर योग क्यों कह दिया कि अभी सारी दुनिया शूद्रों की है? क्योंकि सदैव एक स्थिति कोई भी ब्राह्मण की नहीं रहती। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जो विराट रूप दिखाया हुआ है उसमें ब्राह्मणों को नहीं दिखाते हैं। मस्तक समान देवताएं दिखाए हैं, क्षत्रिय दिखाए हैं भुजाओं में, पेट में वैश्य दिखाए हैं, पांव में शूद्र दिखाए हैं। ब्राह्मणों का नाम निशान ही उड़ाई दिया। सिर्फ ब्राह्मणों का ही नहीं, प्रजापिता का भी नाम उड़ाई दिया। क्यों उड़ाई दिया है? ब्राह्मण तो चोटी समान है, उनको क्यों नहीं दिखाते? सारे अलंकार विष्णु को क्यों दे दिए हैं? अलंकार इस समय ब्राह्मण धारण करते हैं या कोई विष्णु दिखाई पड़ता है? हैं? ब्राह्मणों के अलंकार हैं। फिर वो ब्राह्मणों को दिखाए क्यों नहीं जाते भक्ति मार्ग में? वो यादगार क्यों नहीं देखने में आती? क्योंकि ब्राह्मणों की अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है। जब अवस्था ही नीचे ऊपर होती रहती है तो उनका यादगार तैयार नहीं हो सकता। इसलिए बोला कि इस समय तो सभी शूद्र वर्ण के हैं, कोई भी छाती ठोक कर नहीं कह सकता कि हम पक्के ब्राह्मण सो देवता बन चुके हैं। हाँ, सतयुग में देवता वर्ण के थे, अभी सत्ययुग है या कलयुग है? है तो संगम युग, लेकिन संगम युग में भी हम सत्य स्टेज में रहते हैं या झूठ की स्टेज में आ जाते हैं? माया रावण हमको झूठा तो नहीं बना देती? क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण के तो बाद में बने। हाँ, सिवाय ब्राह्मण बनने बिगर देवता वर्ण में कोई जा नहीं सकता। पता नहीं उनको ये बातें समझाई है या नहीं समझाई है उद्घाटन करने वाले को, बताना चाहिए कि ये वर्ण ऐसे ऐसे करते हैं। पहले कौन सा वर्ण?
जब नई सृष्टि रची गई तो पहला पहला कौन सा वर्ण? ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवता फिर क्षत्रिय बनते हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। तो बाबा जानते हैं कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो बच्चे भूलते ही रहते हैं। ओम शांति।